नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपको लगातार सिटी पोस्ट बता रहा है कि चिराग पासवान एक रणनीति के तहत नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं और आज पार्टी के सांसदों की बैठक थी दिल्ली में और पार्टी के सांसदों के साथ बैठक में क्या क्या बातें उठी हैं, वो बातें सामने आई हैं और उसके अनुसार मतलब साफ है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि बीजेपी जेडीयू से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। चिराग पासवान मानते हैं कि नीतीश कुमार से बिहार के लोग नाराज हैं। चिराग पासवान ने सांसदों के साथ जो बैठक की है उसमें कई बातें सामने आई हैं। लोजपा सांसदों की बैठक में सभी सांसदों ने नीतीश कुमार के काम की निंदा की है। सांसदों के साथ बैठक में पीएम के द्वारा बिहार को समर्पित सभी योजनाओं की चिराग पासवान ने जमकर तारीफ की है। आज की बैठक में सभी सांसद और पूर्व सांसदों ने बीजेपी को ज़्यादा सीट पर लड़ने का सुझाव दिया है। चिराग पासवान की बैठक में सभी सांसदों ने बिहार में पनप रहे अधिकारवाद पर नाराजगी जताई है, यानी नौकरशाही हावी है ये आरोप लगाया है। कोरोना बाढ़ पलायन के विषय पर सभी एलजेपी के सांसदों ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। एलजेपी सांसदों ने बैठक में प्रधानमंत्री को कालिदास कहने पर ललन सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। केसी त्यागी के बयान की एलजेपी से गठबंधन नहीं है कि बोलने पर सभी सांसदों ने तारीफ की है और सभी सांसदों ने आरोप लगाया है कि 3 डिसमिल जमीन देने का जो वादा था दलितों को उसे पूरा नहीं किया गया है। पूर्व सांसद काली पांडे ने कहा कि पार्टी को जेडीयू के खिलाफ सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारना चाहिए। तो एलजेपी की जो सांसदों की बैठक थी दिल्ली में चिराग पासवान के साथ, उसमें इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा हुई है और ऐसे ही राय सामने आए हैं। चिराग पासवान इसके बाद क्या फैसला लेंगे अब उन पर निर्भर करता है, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह से इस बैठक में चिराग पासवान ने पीएम मोदी के कार्यों की तारीफ की, नीतीश कुमार के कार्यों की उनके सांसदों ने निंदा की, बात साफ है कि एनडीए के साथ बने रहना चाहते हैं चिराग पासवान। एनडीए को छोड़ने के मूड में नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले और उनके साथ भी सम्मानजनक समझौता हो। बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलेंगी तभी उनकी पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलेंगी। तो चिराग पासवान लगातार कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार की घेराबंदी का, और घेराबंदी का मकसद तो साफ है कि ज़्यादा सीट बीजेपी के हिस्से में आए ताकि बीजेपी चिराग पासवान को ज़्यादा से ज़्यादा सीट दे सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बराबर बराबर सीटों से ज़्यादा कोई समझौता हो सकता है? बराबर बराबर सीटों पर समझौता होगा तो 120-121 सीटें आएंगी जेडीयू के खाते में। क्या उससे भी कम सीट पर जेडीयू मान जाएगा बीजेपी को? क्या 140 सीट दे देगा जेडीयू और खुद 100 सीटों पर तैयार होगा लड़ने के लिए? ये तो मुमकिन दिखता नहीं है फिलहाल। तो मानकर चलिए कि एलजेपी को सीट देने से पहले, हम पार्टी के जीतन राम मांझी को सीट देने के पहले बीजेपी जेडीयू में बराबर बराबर सीटों का बंटवारा हो सकता है। चिराग पासवान द्वारा बनाए गए दबाव का यही फायदा हो सकता है कि बीजेपी बराबर बराबर सीटों पर लड़ने के लिए जेडीयू को बना ले और बीजेपी अपने हिस्से से सीटें देकर चिराग पासवान को बना लेगी, क्योंकि चिराग पासवान को बीजेपी से तो कोई लड़ाई है ही नहीं। और नीतीश कुमार अपने हिस्से से जीतन राम मांझी को दे देंगे, जीतन राम मांझी जितना नीतीश देंगे सीट उस पर तैयार हो जाएंगे। तो मानकर चलिए कि अब एनडीए में जो घमासान था अब थमथा नजर आ रहा है। चिराग पासवान के तेवर पहले भी तल्ख थे नीतीश कुमार को लेकर, आज भी तल्ख हैं, लेकिन बीजेपी के साथ वो दोस्ती निभाना चाहते हैं और बीजेपी जेडीयू एलजेपी तीनों एनडीए के घटक दल हैं। तो मानकर चलिए कि इस विधानसभा चुनाव में एनडीए इंटैक्ट रहेगा, चिराग पासवान जेडीयू के प्रत्याशियों के खिलाफ हर सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, क्योंकि इस तरह का सलाह केवल एक सांसद ने, एक नेता ने दिया है, काली पांडे ने दिया है, बाकी सारे सांसदों ने नीतीश सरकार के कमी खामियों को गिनाया है, उनसे नाराजगी जताई है, चिराग पासवान के हर फैसले के साथ खड़े होने का संकेत दिया है। अब चिराग पासवान के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या फैसला लेंगे, लेकिन चिराग पासवान ने ऐसा कोई अभी संकेत नहीं दिया है इस बैठक के बाद कि वो एनडीए छोड़ने वाले हैं, जेडीयू के खिलाफ सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने वाले हैं। लेकिन बहुत ऐसी सीटें हैं जहां पर चिराग पासवान के पार्टी के नेता एनडीए के प्रत्याशियों का विरोध करने लगे हैं, खासतौर पर जेडीयू के प्रत्याशी का विरोध करने लगे हैं। राघोपुर है जहाँ से कहा जा रहा है कि भोला राय को टिकट दिया जा सकता है जेडीयू का, तो वहाँ पर एलजेपी के जो नेता हैं विरोध कर रहे हैं।
कई जगहों से इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन जो घोषणा की थी चिराग पासवान के लोगों ने कि 143 सीटों पर LJP JDU के खिलाफ चुनाव लड़ सकती है, उसकी संभावना बहुत कम है। कुछ खास सीटों पर LJP विरोध कर सकती है, उसके कार्यकर्ता विरोध कर सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान ये चाहते हैं कि BJP को ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, यही मकसद था और शायद उस मकसद में कामयाब भी हो गए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है।